बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल sh.official। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम CS कैमरे के बारे में फ्रेंड्स मुकम्मल इसके जितनी भी इसकी सेटिंग है उसके बारे में हम जानेंगे कि फ्रेंड्स किस तरह हम अपनी किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने किसी भी कैमरे की बनी हुई इमेज को PDF में, JPEG में, ठीक है, किसी भी फ्रेंड्स आप फॉर्मेट में इसमें एक मिनट में जो है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात कि फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी इमेज को उसका जो है फ्रेंड्स आप फाइल साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, यानी अगर आपकी एक इमेज 1 MB की है तो आप उसको उसका फाइल साइज़ कम करना चाहते हैं, आप उसको MB की बजाय KB में करना चाहते हैं तो वो भी फ्रेंड्स आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़े की वीडियो है, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो ही आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारी इमेजेस मिल जाती है। सबसे पहले इधर फ्रेंड्स आपको ID कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप अगर अपना ID कार्ड को उसको फ्रेंड्स आपने स्कैन करना है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से मेक इट ऑन के बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ से किसी भी अपने ID कार्ड की शेप आप यहाँ से ईजिली बना सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, टू टेक्स्ट करें तो आप यहाँ से टेक्स्ट को फ्रेंड्स आप इजीली स्कैन करके जो फ्रेंड्स टेक्स्ट नीचे लिखा होगा आप उसको यहाँ से इंटरनेट ऑन करके आप ट्राई नो के बटन पे क्लिक करें, जो टेक्स्ट फ्रॉम आपका लिखा होगा बुक के ऊपर, पेज के ऊपर, वो आपका टेक्स्ट जो है ना आपको MS Word की ऑप्शन में आपको ईजिली मिल जाएगा। ये बहुत मज़े की चीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेल आ जाता है। फ्रेंड्स अगर नीचे फ्रेंड्स आपके कोई टेबल बना हुआ है तो फ्रेंड्स आप वो उसको इजीली एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। PPT का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप PPT में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ रह गई है, क्वेश्चन बुक, यानी फ्रेंड्स आप यहाँ से अपनी क्वेश्चन बुक भी ईजिली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बुक पर क्लिक करें तो फ्रेंड यहाँ से आप अपनी कोई भी इस तरह की बुक की शेप बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं। अगर हम मोर के बटन पे क्लिक करें तो फ्रेंड यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप QR कोड को फ्रेंड्स स्कैन करके भी आप इजीली जो है ना अपने मोबाइल के अंदर उस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप लोगों को ऊपर फ्लैश वाला ऑप्शन मिल जाता है, यानी फ्रेंड यहाँ से आप अपना मोबाइल का फ्लैश ऑटो कर लें, ऑन कर लें, ऑफ कर लें, या आप लोग टॉर्च ऑन कर लें, ये आप लोगों का डिपेंड होता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है HD, यानी फ्रेंड आप लोग अपनी इमेज का साइज़ किस आप उसको अपना साइज़ किस तरह रखना चाहते हैं, यानी अगर आप 13 MB का करेंगे तो 4160x3120 होगा, ठीक है। तो ये जो ना ऊपर ये फ्री नहीं है, वो बाय करने पड़ेंगे, और नीचे फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारे Alt to Z बिल्कुल फ्री ऑफ कार्ड से मिल रहे हैं, ठीक है। ये 12x720 भी है, यानी यूट्यूब वाला साइज़ आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े की चीज़ है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ना लास्ट चीज़ मिल जाती है, यहाँ पर आपको साउंड मिल जाता है, ग्रिड मिल जाती है, और उसके बाद आपको जो है सेपरेट लेवल मिल जाता है, ठीक है। आप किसी के ऊपर क्लिक करें आपके आपके सामने उसकी मुकम्मल जो है फ्रेंड्स डिटेल आ जाएगी। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि हम किस तरह अगर कोई इमेज जिस तरह फ्रेंड्स फर्ज करें, यहाँ से मैं कोई एक इमेज फ्रेंड जो है ना यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास फ्रेंड्स ऑलरेडी जो है ना मेरे मोबाइल की मेमोरी में फ्रेंड्स बनी होगी, मैं इमेज आपको वो चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स वो कह रहा है कि आपने अगर बाय करना है तो इसको बाय करना है, अगर आपने फ्री में इसको कंटिन्यू करना था वो फ्री में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस मेरे इसमें मोबाइल में जो पड़ी हुई, मैं आपको उस इमेज में कोई इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। आप फ्रेंड्स वहाँ से भी इजीली इसकी कोई भी इमेज ले सकते हो। जिस तरह फ्रेंड्स ये मेरी इमेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड्स मेरी इमेज इंपोर्ट हो गई है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करने के बाद ये चेक करें, यहाँ से आप इसको किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल का आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाता है ऑप्शन ऑल वाला, यानी अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो ना जिस तरह आपने इमेज खींची होगी जिस तरह बिल्कुल उसी तरह आ जाएगी। अगर आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी इमेज को क्रॉप कर लेगा। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जो ही फ्रेंड्स आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड ये देखें, ये इसका जो ना इमेज का ये है, उसके बाद ओरिजिनल है, उसके बाद ये लाइट है। आप किसी के भी ऊपर ईजिली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइट पर क्लिक करें तो फ्रेंड ये देखो थोड़ा क्लियर साफ कलर नज़र आ रहा है, ये मैजिक कलर है। आपको फ्रेंड्स यहाँ से कोई भी आप कलर इजीली डिसाइड कर सकते हैं, ये फ्रेंड्स आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं सिंपल। तो उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मार्कअप का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप मार्कअप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से फ्रेंड आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह फ्रेंड यहाँ पर मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसको ओके के बटन, या से आप इसके कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये फ्रेंड मेरा हो गया कलर, ये मेरा नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से उसको हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमें मिल जाता है यहाँ पे टू टेक्स्ट, यानी हम इसके और टेक्स्ट भी हम यहाँ पे इसका इजीली जो है ना इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सिग्नेचर वाला ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप लोग अगर अपने सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपने स्कैन करके रखे हुए हैं तो वो आप ऐड करके यहाँ पे सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली ओके बटन पर क्लिक किया, देन आप लोगों ने फ्रेंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जो ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको ऊपर PDF का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको यहाँ से PDF भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में आपको शेयर वाला बटन मिल जाता है, साथ में फ्रेंड्स आपको तीन डॉट मिल जाते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको इंपोर्ट पिक्चर कर सकते हैं, कॉलेज वर्ड कर सकते हैं, सेव टू गैलरी कर सकते हैं, देन आप सेंड टू PC, रीनेम, सेलेक्ट PDF पासवर्ड कर सकते हैं, PDF सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐड टैग लगा सकते हैं, व्यू बाय कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम सिंपली शेयर के बटन पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहीं से आपको व्हाट्सअप का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। मैसेंजर का, सेंड टू PC का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप लोगों को मिल जाती है शेयर JPG फाइल मिल जाती है, शेयर PDF फाइल मिल जाती है, शेयर एज लॉन्ग इमेज मिल जाती है। अगर हम फ्रेंड क्लिक करते हैं JPEG पे तो फ्रेंड ये यहाँ से सेव टू गैलरी, अदरवाइज हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको शेयर कर सकते हैं। मैं सिंपली सेव टू गैलरी के बटन पे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड ये मेरी इमेज बिल्कुल सेव हो गई है। इतना सा काम है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को CS कैमरे के मतलब मुकम्मल इसकी सेटिंग पता चल गई होगी। अगर फ्रेंड्स कोई चीज़ बाकी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका लाजमी रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।